नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। गलत शब्दों से प्रताड़ित नगर पंचायत सफाई कर्मचारी बैठे धरने पर। नगर पंचायत मक्खनपुर कर्मचारियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी संघ आक्रोशित है और सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने नगर पंचायत के समस्त सफाई कर्मचारियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने तथाकथित व्यक्तियों द्वारा की गई अभद्रता पर विरोध जताते हुए तत्काल कार्यवाही करने की मांग उठाई। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने नलकूप ऑपरेटर हबीब खान और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नगर पंचायत में पैदल मार्च कर धरना प्रदर्शन किया। इस मामले में कर्मचारियों ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग उठाई है। हाँ, मेरा नाम मुकेश कुमार वाल्मीकि है, प्रदेश का महासचिव हूँ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का। यहाँ नगर पंचायत मक्खनपुर में अधिशासी अधिकारी के इशारे पर और जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हबीब खान के द्वारा सफाई कर्मचारियों को अकारण जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता रहा है और उनको जो है ऐसा न करने की बात कहने पर काम से हटा दिया जाता है और बाद में जो है उनसे 10-5 दिन के बाद में 30-40 हज़ार रुपया लेकर कार पर लगा लिया जाता है। यह सिलसिला इनका जो है वर्षों से चल रहा है। कर्मचारी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ को बार बार निवेदन करते रहे, हम लोग जो है नहीं सुन पाए किन्हीं कारणों से कि किसी तरीके से नगर पंचायत अपना जो है सुधार करेगी, लेकिन उनमें सुधार नहीं आया तो हम लोगों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए फिर सोना पड़ा है। ये धरना कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक हमारी न्यायपूर्ण मांगों को जो है नहीं माना जाता है। तो ये धरना मक्खनपुर में ही नहीं बल्कि जनपद के जो है प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम तक जो है इसको पहुंचाने का काम किया जाएगा। क्या क्या मांग है? हमारी मांग है सफाई कर्मचारियों से जो हबीब खान है उसको जो है अलग कर दिया जाए और वाल्मीकि समाज का सुपर। आज का धरना क्यों हो रहा है? आज का नहीं, धरना परसों चल रहा है 7 तारीख से। धरना करना हम लोगों का पत्रकार जी कोई शौक नहीं है, ना हम छोटे तबके के आदमी हैं और ना हमारे इतनी वो है, लेकिन जब जुर्म जाती हो रही है नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा और उनके सबॉर्डिनेट जो है, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है और हमारी माता बहनों को जाति सूचक शब्द कहकर इतना अपमानित किया जाता है। अरे भाई, लोकतंत्र इसमें हमें भी जीने का अधिकार है, तुम्हारी सफाई करें और सारा ये हमारा कहना है। ये टेबल ऑपरेटर क्या बदमाशी करते हैं? अभी कहा टेबल ऑपरेटर क्या बदमाशी है? ये इनका यही है, सारे लोगों को जो कर्मचारी आ रहे थे उनको रोक दिया, मैं निकाल दूंगा। उत्पीड़न करना उसका ही काम है और पूरा शेल्टर मिला हुआ है अधिशासी का। अगर शेल्टर ना हो, संरक्षण ना हो, हमारा यही है, हमारी समस्या का समाधान हो। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जब ये नगर पंचायत नहीं थी, धानी थी, यहाँ पर गांव था, तो यहाँ के लोगों ने खाना और जब नगर पंचायत आई, लोगों की आस थी कि हमको भी 7-8 हज़ार 9-10 हज़ार, तब दूसरे करते ला ला के 35-35 हज़ार उनके साथ राज कपूर हमारे जिला अध्यक्ष संगठन के, इनके दो लड़के लगे हुए थे, जैसे ही सोलह नंबर को दोनों को लेकर हम आंदोलन पर हैं और हमारा आंदोलन उस बात जाते जारी रहेगा जब तक समस्याओं का समाधान। हम हमारे राम खिलाड़ी वाल्मीकि पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ हम डिप्टी सीएम से मिलेंगे और नहीं नहीं हम डिप्टी सीएम से लखनऊ भी जाकर।